मान्यवर साहब काशीराम जी ने आप लोगों के बीच में पार्टी बना के दे दी, और जब पार्टी बनाई तो कांग्रेस और बीजेपी वाले हंसते थे, अरे काशीराम ये 3 में न 13 में ये पार्टी चलाएंगे इस देश में। लेकिन उस काशीराम जी की जादूगरी ने, उस बहन जी के संघर्ष ने 21 साल की उम्र में अपना घर परिवार को त्याग करके पूरे गली गली गांव गांव जाकर इस मिशन को सींचने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के उनकी बात को समझने का काम किया, और उस प्रदेश की धरती पर हम 3 सांसद भी बने और 13 विधायक भी आए, तो उनके जमीन जो है पैरों से नीचे निकल गई। साथी ये बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये देश की तीसरी आजादी के जंग का नाम है, ये महापुरुषों का मिशन है। तो हम सम्मानित साथियों से ये अपील करेंगे कि फरीदाबाद और पलवल में कोई फर्क नहीं, ये 2 जिले नहीं, ये 1 जिला है और ये 1 लोकसभा है। हम भाई भाई की तरह, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, आप कभी भी आए हम आपका पूरा वेलकम करने का काम करेंगे। जब तक हम अपने कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे, एक दूसरे से तालमेल नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे से भाईचारा प्यार मोहब्बत नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं कर सकते। लेकिन क्या होती है, चैन बनानी होती है, आप पकड़ोगे तो आगे बढ़ेंगे सर, दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे। साथी ये बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये देश की तीसरी आजादी के जंग का नाम है, ये महापुरुषों का मिशन है। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, रविदास, कबीरदास, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, ये तमाम ऐसे महापुरुष रहे जिनकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि इस भारतवर्ष में एक भाईचारा बने, सर्वजन को सम्मान मिले और एक जो है अमन शांति का जो है भारतवर्ष बने, अशोक का जो भारत बने। तो साथियों उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, हम पढ़े लिखे भी शिक्षित भी बने, नौकरियां भी ली, और आज हमारे पास कहने को तो कोई कितना ही कहता रहे कि हम गरीब है गरीब है, गरीबी कहने 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 से दूर नहीं होगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए समय निकालना होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंधों पे जो जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, तब वो सारी समस्याएं हल होती हैं। अब हम बातों से सरकार कैसे बना सकते हैं, या हम एक दूसरे से तालमेल ना बनाए, समाज के साथ ना बैठें, समाज के सुख दुख में ना जाएं, तो हमारे साथ वोट कौन देगा जब हम अपने समाज के दुख सुख में नहीं गए, या हमारे समाज के किसी साथी को कोई परेशानी आ गई, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हुए, तो फिर हमारे साथ वो क्यों लगेगा, पार्टी के साथ क्यों लगेगा। तो साथियों हमारा अपना कर्तव्य है, पार्टी माननीय बहन जी नहीं है, पार्टी माननीय साहब काशीराम जी नहीं थे, उन्होंने तो एक हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, पार्टी हम आप लोग हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी होती है, पार्टी की कोई पॉलिसी तो जो ऊपर से आएगी वो हमें चलानी ही है, जो ऊपर से आदेश आएंगे पार्टी के, लेकिन चलाएगा तो कार्यकर्ता ही, और चलाने के लिए उसे जब हम आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं करेंगे तो शायद पार्टी का क्या दोष, पार्टी का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा अपना है कि हम एक दूसरे पे उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई से अगर मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं तो मैंने कितनी मीटिंग की है, मैं कितने घर में गया हूं, मैंने कितने फोन किए, मेरे पास मान लिया फोन आ गया मैं भाई आज मीटिंग है, लेकिन मेरा भी तो जिस साथी ने मेरे पास फोन किया है कम से कम उसने 5 या 10 फोन तो किए होंगे, उसने आधा घंटा तो लगाया होगा, लेकिन मेरा क्या फर्क था, ठीक है जी आगा, मेरा ये फर्क था कि मेरे संपर्क में भी 20 साथी हैं, कोई छूट ना जाए, और इतना अच्छा जमाना चल रहा है नेट का, डिजिटल इंडिया, बीजेपी सरकार इस फोन पे सरकार बना गई और हमारे हर आदमी के पास फोन है, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर खेलते रहेंगे, गेम खेलेंगे, फेसबुक पर खेलेंगे, लेकिन इसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे। अरे अपनी विचारों को, अपनी बात को, आपका समय भी खराब नहीं हुआ, और ऐसी महामारी में घर से बाहर भी कदम नहीं रखना पड़ा, फोन पे अपने मैसेज भेज दिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा भेज दी, अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट भेज दी, जो हमारा साथी जवान रहे और उसको ये लगे कि हमारे सैकड़ों साथी इस मिशन मूवमेंट में लगे, जमीन पे भी काम चल रहा है, फोन पे भी चल रहा है। साथियों ये फोन का सबसे पहले आज इस्तेमाल करने की जरूरत है, अगर ये फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेहनत तो करना जरूरी है, लेकिन मेहनत करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने इस पार्टी के साथ अपने घुटने पे तुलवा लिए, लेकिन उस सत्ता का सुख जो है अभी तक नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी का शासनकाल 4 बार देखा और ऐसे ही नहीं बना, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा गुंडा प्रदेश था,
जातिवाद मानसिकता का प्रदेश था और सबसे बड़ा देश का बहुत बड़ा सूबे जो उत्तर प्रदेश था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये गरीब आदमी जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और पहनने के लिए फटी धोती है और ये तन पे जो फटा बुलियान है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मान्यवर साहब काशीराम जी ने आप लोगों के बीच में पार्टी बना के दे दी और जब पार्टी बनाई तो कांग्रेस और बीजेपी वाले हंसते थे, अरे काशीराम है ये 3 महीना 13 में ये पार्टी चलाएंगे इस देश में। लेकिन उस काशीराम जी की जादूगरी ने, उस बहनजी के संघर्ष ने 21 साल की उम्र में अपना घर परिवार को त्याग करके पूरे गली गली गांव गांव जाकर इस मिशन को सींचने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के उनकी बात को समझने का काम किया और उस प्रदेश की धरती पर हम 3 सांसद भी बने और 13 विधायक भी आए तो उनके जमीन जो है पैरों से नीचे निकल गई कि ये तो 3 में भी आ गए और 13 में भी आ गए। और जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी बढ़ती रही, मान्यवर साहब काशीराम ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दौरा करके, माननीय बहन जी ने पूरे देश में दौरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करके पूरे देश के समाज को जगाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आप लिए हमारे लिए सम्मानित हो, फरीदाबाद की आज हमारे पास जिम्मेवारी, खासतौर पर मेरे पास और फरीदाबाद लोकसभा में प्रभारी रहने का, प्रदेश कमेटी में भी आप लोगों के माध्यम से जाने का काम किया क्योंकि आप साथी ने हमें भेजने का काम किया था। लेकिन हमारे साथियों की इच्छा थी कि इस युवा साथी को मौका मिलना चाहिए ताकि कुछ जिले में नया हो। तो हम सम्मानित साथियों से ये अपील करेंगे कि फरीदाबाद और पलवल में कोई फर्क नहीं, ये 2 जिले नहीं, ये 1 जिला है और ये 1 लोकसभा है। हम भाई भाई की तरह, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, आप कभी भी आए हम आपका पूरा वेलकम करने का काम करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।